नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। आगे के वीडियो में हमने कक्षा 8 विषय हिंदी पहले इकाई पत्र एवं डायरी में हमने पहले दो वीडियो में देखा कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं। तो कई प्रकार के पत्र होते हैं क्योंकि सभी जगहों पर एक तरह का पत्र नहीं चलता। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी को शुभ समाचार देना है तो अलग पत्र होगा, किसी को बधाई देनी है तो अलग पत्र होगा, किसी को आमंत्रण देना है तो उसकी उसके अंदर की जो विषय वस्तु है वो भी अलग होगी। अगर हम उसी प्रकार कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो कार्यालयी पत्र भी अलग प्रकार का होगा। जैसे हम यहाँ पर इस वीडियो में कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, यह कार्यालय, कार्यालय माने जितनी भी ऑफिस है, कार्यालय है सरकारी, वहाँ पर अगर हमें पत्र लेखन करना है तो हम किस प्रकार करेंगे इसकी यहाँ जानकारी दी गई है। एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, उसमें है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, जहाँ पर हम लिख रहे पत्र उस कार्यालय का हमें पता लिखना है, महानगर पालिका बड़ौदा, बड़ौदा मानी वडोदरा, मान्यवर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर संबोधन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बराबर है। मान्यवर सविनय, निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ, यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है, आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान माने डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं, बदबू के कारण पिछले दो दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है, आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है, आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे, आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार हमें कोई भी फरियाद करनी हो, कंप्लेन करनी हो, या फिर कोई हमारी बात रखनी हो किसी ऑफिस में कार्यालय में, तो इस प्रकार यहाँ पत्र लिखा जाता है। तो ये था कार्यालय पत्र। उसके आगे है व्यावसायिक पत्र। तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, अर्थात जो पुस्तक विक्रेता है माने पुस्तकें बेचता है, किसको बेचता है, अलग अलग लाइब्रेरियों को, दुकान वालों को, जिसे हम कहते हैं कि होलसेल, जो एक साथ में कई सारी पुस्तकें रखता हो और सस्ते दामों में बेचता हो, कम कीमत में जो पुस्तकें देता हो, बराबर है, ऐसे पुस्तक विक्रेता है, उसके पास से जो हम पुस्तकें लाइब्रेरी वाले माने पुस्तकालय वाले मंगाते हैं, दूसरे दुकानदार मंगाते हैं, तो उसको किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। आज तो मोबाइल के युग में हम देख सकते हैं कि ईमेल द्वारा या फिर व्हाट्सएप द्वारा या फिर मैसेजेस द्वारा हम यह काम कर सकते हैं, पर कई जगहों पर हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी काम में कम आती है, जहाँ पर पत्र लिखना आवश्यक है वहाँ तो हमें लिखना ही पड़ेगा। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड, महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्ना कोश, श्री रतिलाल नायक इसके लेखक हैं, दूसरी है नालंदा विशाल शब्द सागर जिसके लेखक श्री नवल जी हैं, तीसरी पुस्तक है बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, चौथु साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपरोक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें, भवदीय प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। बराबर, इस प्रकार आपने देखा है कि यहाँ किस प्रकार पुस्तकें मंगवानी है तो किस प्रकार पत्र लिखा जाता है,
तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि 7 प्रकार के पत्र आपको यहाँ मुहावरे के लिए दिए गए हैं। ये 7 पत्र आप जब बड़े होंगे हिंदी भाषा में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पत्र बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आपको ये सारे 7 पत्र अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं और उनका अभ्यास करना है। अब हम देखेंगे डायरी लेखन। डायरी लेखन अगर शायद आप करते भी होंगे तो आपके मन में प्रश्न होगा कि मिस डायरी लेखन हम किसे कहेंगे। डायरी लेखन का अर्थ है हम रोज बरोज की घटनाएं के सुबह से उठकर रात को सोने तक हमने क्या किया, हमारे मन में कौन कौन से विचार आए, किस वस्तु या विषय पर विचार आए, उसका सारा हम लेखा जोखा जिसमें रखते हैं उसे कहते हैं डायरी लेखन। हाँ, डायरी लेखन में कभी असत्य नहीं होता है, सत्य ही होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अब डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन, निजी माने पर्सनल, निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिखी जा सकती है, अर्थात आप रोज भी लिख सकते हैं या आप हफ्ते की भी लिख सकते हैं, हफ्ता माने एक वीक, या आप 15 दिन की लिख सकते हैं, पाक्षिक या मासिक माने महीने की भी लिख सकते हैं, पर उसमें जो भी होता है वो वैयक्तिक खुद का होता है, उसमें मन के विचार होते हैं और वो सत्य होते हैं। डायरी लेखन की विशेषता क्या है, हमें डायरी लेखन में क्या देखने को मिलता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है तो ही डायरी लेखन सही मायने में सही होगा। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। मैं सुबह 7 बजे उठा, 12 बजे मैं विद्यालय गया, 9:30 बजे मैंने सुबह के नाश्ता किया, ऐसा नहीं है चलेगा। उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, समय की, विचारों की, सभी की। इसमें ख है, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, लंबा लंबा नहीं लिखना है, उसमें कुछ सार होना चाहिए और वास्तविक सच्चा होना चाहिए। ग डायरी लेखन में स्थान, तिथि माने कौन से जगह पर आप हो, तिथि माने कौन सी तिथि थी, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। उसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए किसी की भी, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बनावटी, अपने खुद के इतने बड़े बखान नहीं होने चाहिए, काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए और चित्रात्मकता कम होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा डायरी लेखन नहीं होना चाहिए। अब डायरी लेखन से हमें लाभ क्या होता है, तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हफ्ते पहले मेरे जीवन में क्या घटा था, कौन सी बात मेरे मन में आई थी, इन सब बातों का आपको डायरी लेखन से पता चलता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है, बराबर, शनै शनै माने ज़्यादा तौर पर हम बुराइयों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डायरी में अच्छा लिखना है तो हम अच्छा ही जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे, तो ही हम डायरी लेखन सच्ची कर सकेंगे। ग डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में, अर्थात जो व्यक्ति लिखता है उसी व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ पर आपको डायरी लेखन के 2 उदाहरण दिए गए, वो हम पढ़ते हैं कि डायरी लेखन कैसे किया जा सकता है। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए, तो किसी विद्यार्थी ने अपनी डायरी में पहले दिन का यहाँ अनुभव लिखा है, घटना का, 7 अगस्त 2011 जामनगर, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था, मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। देखो उस
विद्यार्थी के मन में क्या क्या चल रहा था वो उसने यहाँ लिखा है। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुँचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। फॉर्म मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद शुल्क माने फीस, मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। इतना यहाँ विचार विद्यार्थी ने प्रस्तुत किया है कि उसके मन में पहले विद्यालय के दिन का कैसा प्रभाव रहा, क्या घटित हुआ, बराबर। इस प्रकार यहाँ डायरी लेखन का एक उदाहरण दिया गया है। दूसरा है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए कि वार्षिक परीक्षा थी, उसके आगे के दिन का मेरा अनुभव कैसा था। तो उसका एक विद्यार्थी ने यहाँ डायरी लेखन किया है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया माने याद कर लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया। ढांढस माने आश्वासन बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद, बत्ती माने लाइट बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैम्प जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। पुनः माने फरी थी, फिर से पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ये परीक्षा के अगली रात का विद्यार्थी ने वर्णन किया है कि कैसा हाल रहा। तो ये है डायरी लेखन बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ डायरी लेखन किया जाता है, बराबर है। तो बच्चों देखा आपने यहाँ किस प्रकार डायरी लेखन किया गया है, बराबर है। डायरी लेखन में वास्तविकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो पहली इकाई है पत्र एवं डायरी, वो समाप्त होती है। आपको अपनी फेयरबुक में 7 पत्र लिखने हैं, डायरी लेखन के ये दोनों उदाहरण लिखने हैं। और हाँ, डायरी लेखन के बारे में आपको यहाँ जो विशेषताएँ, लेखन के लाभ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर उदाहरण आपको अवश्य लिखने हैं, बराबर है। आगे की वीडियो में अब हम स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।